ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है, कैसा प्रदेश बना दिया, एक चौपट प्रदेश। जगह जगह मैं जाता हूं, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, शिक्षा व्यवस्था चौपट, किसान चिल्ला रहे हैं खाद के लिए, कोई बिजली के लिए चिल्ला रहा है, नौजवान रोजगार के लिए चिल्ला रहे हैं। ये आज ऐसा प्रदेश बना दिया। और विकास किसका होता है? भ्रष्टाचार का, घोटालों का और कमीशन का। ये आज आप सबके सामने है, इसलिए मैं कहता हूं कि कैसा प्रदेश आप चाहते हैं, आप कैसा प्रदेश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान यहां बैठे हैं, सबसे बड़ी चुनौती है नौजवानों का भविष्य। आज का नौजवान में एक तड़फ है, वो ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, व्यवसाय का मौका और अपने हाथों को काम चाहता है, यही है हमारा नौजवान। आज 1 करोड़ लोग, आज 1 करोड़ नौजवान मध्य प्रदेश में बेरोजगार है, सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की हमारे इस पीढ़ी की है। यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा, हमारे मुरैना का कैसा निर्माण होगा, मध्य प्रदेश का कैसा निर्माण होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और शिवराज सिंह जी हर 10 महीने कहते हैं 1 लाख लोगों को मैं भर्ती कर रहा हूं, ये सुना ना, हर 11 महीने कहेंगे 1 लाख लोगों को। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप जो रिक्त पद है उनको भर दीजिए, जो बैकलॉग है उसको पूरा कर दीजिए, ये 1 लाख की बात छोड़िए।